इस वक्त मैं इंदौर में मौजूद हूँ और इंदौर के साथ साथ शंकर लालवानी जी इस वक्त मेरे साथ पे मौजूद है। आज सुबह से ही हम देख रहे हैं कि इंदौर में लगातार लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। शंकर भाई, ये कहा जाए कि जागरूकता इंदौर के अंदर नज़र आ रही है, सीधे तौर पे लोग सुबह से ही लाइन लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये बात सही है कि इंदौर में जागरूकता आई है, लोग मतदान कर रहे हैं, हर उम्र के जो व्यक्ति हैं मतदान के लिए आ रहे हैं। इस बार मतदान का उत्साह बहुत बड़ा है और मुझे लगता है मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा, और जिस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है उसको ध्यान में रखते हुए मतदान का प्रतिशत जरूर बढ़ेगा। सर, इनिशिएटिव इंदौर में कई तरह के लिए गए, आप सेटिस्फाइड हैं जिस तरीके से आदर्श बूथ, मालवीय बूथ, फॉरेस्ट बूथ? बिल्कुल, एक नवाचार है, लोक कलाओं के ऊपर मालवा की संस्कृति के साथ स्वच्छता को, इंदौर की जो जो थीम है उन सब थीमों पर यहाँ बूथ बनाए गए हैं। और मुझे लगता है कि 56 पे जिस प्रकार जो मतदान पे लेकर के आएगा उसको पुआ है, जलेबी है, जू में निशुल्क टिकट दी जा रही है जो मतदान करके आएगा, तो ये इस प्रकार का प्रोत्साहन दिया है उसका असर जरूर गिरेगा। सर, हमेशा की अपनी परंपरा है, एक अपील दर्शकों से, लोगों से, आपकी तरफ से? ये प्रजातंत्र का सबसे बड़ा पर्व है और मुझे लगता है कि इसमें हम सबको शामिल होना चाहिए, और आपके माध्यम से जनता से निवेदन करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और इस पर्व पर अपना और अपने परिवार का मतदान जरूर करवाएं। तो देखिए, सीधे तौर के ऊपर मैसेज लाउड एंड क्लियर होता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, मतदान करें, यही लोकतंत्र को मजबूत करता है और इसी लोकतंत्र की मजबूती के लिए ये मतदान कराया जाता है। वीरेंद्र के साथ मैं अत्याभिषेक, इंडिया न्यूज़ इंदौर।